बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। वीवर्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि रमजान हो और हम अपने किचन में फ्रूट चाट ना बनाएं? फ्रूट चाट की काफी सारी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक अलग तरीके का फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये क्रीमी फ्रूट चाट बनाना बेहद आसान है और बन भी ये मिनटों में ही जाता है। अगर आप लोगों के पास ये सारी चीजें पहले से कटी हुई मौजूद हो तो आप सिर्फ 5 मिनट में क्रीमी फ्रूट चाट बना के तैयार कर लेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, हमने सेब लिए हैं यहाँ पर, और चने लिए हैं, केले लिए हैं, अंगूर लिए हैं, अनार लिए हैं, आलू बुखारे की चटनी ली है। बाकी की सारी चीजें इंशाल्लाह रेसिपी में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप सभी लोगों को जुड़े रहना होगा हमारे साथ साथ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, यहाँ पर हम सबसे पहले क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए इसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 कप क्रीम का है, टेट्रा पैक क्रीम है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कप क्रीम को बाउल में ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। हमारे पास है दही, आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हम क्रीमी फ्रूट चाट बना रहे हैं। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दही के ऐड किए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हमारे पास मायोनीज है, और यहाँ पर 3 टेबलस्पून हम इसमें चीनी के ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी हम इसमें नमक के ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से ये देखिए माशाल्लाह से क्रीम हमारी कितनी जबरदस्ती बनके तैयार हो चुकी है। और चलते हैं अब हम अपने अगले प्रोसेस में। और अब हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप हमारे पास बारीक कट किए हुए सेब हैं, एप्पल्स को ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को भी ये मसला आता है कि सेब काटे तो ये काले हो जाते हैं, तो आप इसके ऊपर 1 से 2 लेमन निचोड़ दीजिएगा, उससे ये होगा कि सेब चाहे जितनी देर मर्जी पड़े रहें, आपके एप्पल्स जो हैं वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। 1/2 कप हम इसमें अनार के ऐड करेंगे। फ्रूट चाट की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इसमें आप जो आपका दिल चाहे वो फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो आपको मन पसंदीदा हो आप वो वाला फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अनार को ऐड करने के बाद 1/2 कप हम इसमें अंगूर ऐड करेंगे और 1/2 कप हम इसमें लंबाई में कट की हुई खजूरें ऐड करेंगे। खजूर को पहले हमने अच्छी तरह से धो लिया हुआ था। खजूर को ऐड करने के बाद अब 1 कप के करीब हमारे पास केले हैं, जिनको हमने गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 कप हमारे पास उबले हुए स्फेद चने हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1 कप के करीब हम इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे, ये आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से या किसी बेकरी से आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ये ले जी माशाल्लाह से सारे फ्रूट हमने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं, आप कोई और सा भी फ्रूट चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ था। क्रीम को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और 2 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इन सारी चीजों की हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्सिंग। व्यूअर्स, यहाँ पर आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे होगा ये कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से थैंक यू सो मच, नवाजिश है जी आपकी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी रेड कलर के बटन को दबा के ग्रे कर दें। ये लें जी माशाल्लाह से क्रीमी फ्रूट चाट की जो मिक्सिंग है वो हो चुकी है। और चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ, आप लोगों ने फाइनल लुक को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये लीजिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार है मजेदार सी शानदार सी क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है, आप लोग इसे इफ्तार पार्टीज में जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। सर्विंग के लिए यहाँ पर हमने ले रखी है आलू बुखारा की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जरूर आप लोगों ने वॉच करना है। बहुत इजीली तरीके से ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। वो हम इस पे ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा डाल लीजिएगा। और अब हम इसके ऊपर ये कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। ये बहुत टेस्टफुल लगने वाले हैं और माशाल्लाह से ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।